नमो देवी महाविद्ये, नमामि चरणो तव, सदा ज्ञान प्रकाशम, मैं देही सर्वार्थ दे शिवे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। नवरात्र हिंदुओं का अत्यंत पवित्र तथा प्रमुख त्यौहार है। देवी दुर्गा माँ को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माता जी स्वयं ही इस चराचर संसार में शक्ति का संचार निरंतर करती रहती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रत्येक वर्ष में मुख्य दो बार नवरात्र आते हैं तथा अन्य गुप्त नवरात्र भी आते हैं। प्रथम नवरात्र का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होता है तथा अगले नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक रहते हैं। वहीं गुप्त नवरात्र माघ, पौष तथा अषाढ़ के मास में मनाए जाते हैं। नवरात्र की पूजा 9 दिनों तक होती है तथा इन 9 दिनों में माता जी के 9 भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता जी के 9 रूप इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ महागौरी तथा सिद्धिदात्री माँ। ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र के दौरान साधक महाविद्या अर्थात तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी तथा कमला देवी की पूजा करते हैं। जब चातुर्मास में भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए लोग विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में देवी के स्वरूपों की साधना पूर्ण श्रद्धा से की जाती है। मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान देवी के पूजन करने की विधि अन्य नवरात्र के समान ही रहती है। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा को घट स्थापना कर प्रतिदिन दोनों पहर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है अर्थात व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का संकल्प किया जाता है, अतः व्रत का संकल्प लेते समय उसी प्रकार संकल्प लें जितने दिन आपको व्रत रखना है। व्रत संकल्प के पश्चात ही घट स्थापना की विधि प्रारंभ की जाती है। घट स्थापना सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति तथा समृद्धि व्याप्त रहती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा से पूर्व भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है, अतः नवरात्रि की शुभ पूजा से पूर्व कलश के रूप में भगवान श्री गणेश महाराज को स्थापित किया जाता है। नवरात्र के प्रारंभ की प्रतिपदा तिथि के दिन कलश या घट की स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश का ही रूप माना जाता है। कलश स्थापना करते समय इन विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नवरात्र में देवी पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वह सोना, चांदी, तांबा, पित्तल या मिट्टी का ही होना चाहिए। लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। नवरात्र में कलश स्थापना किसी भी समय किया जा सकता है। नवरात्र के प्रारंभ से ही अच्छा समय प्रारंभ हो जाता है, अतः यदि जातक शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो वे संपूर्ण दिवस किसी भी समय कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना करने से पूर्व अपने घर में देवी माँ का स्वागत करने के लिए घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। नवरात्रों में माँ भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती से की जाती है, परंतु यदि समयाभाव है तो भगवान शिव रचित सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अत्यंत ही प्रभावशाली है एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के दौरान सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए।
अतः नवरात्र के दौरान भूमि शयन करना चाहिए तथा सात्विक आहार जैसे कि आलू, कुत्तू का आटा, दूध, दही तथा फल आदि ग्रहण करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि 2020 इस वर्ष अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जून रविवार की दोपहर 12:10 से प्रारंभ होकर 22 जून सोमवार की रात्रि 11:58 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2020 में गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 22 जून सोमवार के दिन से हो रहा है तथा यह नवरात्र 30 जून मंगलवार तक व्याप्त रहेंगे। नवरात्र के प्रथम दिन अर्थात 22 जून सोमवार के दिन माता दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। पार्वती तथा हेमवती भी माँ शैलपुत्री के अन्य नाम है। इस वर्ष 2020 में देवी दुर्गा माता जी का आगमन हाथी पर होगा तथा उनका प्रस्थान महिषा की सवारी पर होगा। इस वर्ष 2020 में अषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 22 जून सोमवार की प्रातः 5:46 से 7:28 तक का रहेगा। यदि इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप कलश स्थापना करेंगे तो यह अति लाभदायक तथा फलदायक सिद्ध होगा। इस वर्ष अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 28 जून रविवार की मध्य रात्रि 12:35 से प्रारंभ होकर 29 जून सोमवार की रात्रि 10:12 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 30 जून मंगलवार की प्रातः 5:46 के पश्चात का रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।